आगे एक मुद्दे की बात है, मैं ट्रिप का नया सामान लाऊं तब की बार यकी कमी आए लेके जाऊंगा, घर जाऊंगा गाड़ी में तो चोर ले भाई। भाभी देखे वीडियो में। देखे पूरी देखे, अब की बार तो पूरी देखेगी, लावी देखे तो पटाख फेंक दूंगा तो या मैं नदी में तो पे कंटेंट भी मिल रहा हूँ बहुत ज्यादा। तो पूरा हलवाई बनाएंगे से ले ले। और क्या चाहिए जिसके मुंडे को मारेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। रात को भी पबजी के साथ वीडियो का एंड, और अभी भी भाई पबजी चला हुआ है। अब लास्ट गेम के बाद अपनी जर्नी होगी आगे लद्दाख के लिए। गाड़ी अपनी पूरी सेट हो चुकी है, थोड़ी देर इंजन चालू किया, गर्मी हो रही है भयंकर। देखो हम रुके थे यहाँ पे, ये ना मंडी में गुरुद्वारा साहिब है, तो यहाँ पे आपको रूम मिल जाते हैं 300 से लेकर 1000 रुपये तक। अपना रूम था 1000 रुपये का, जहाँ पे एसी गीजर सब चीज़ सुविधा थी। यहाँ से भाई अपनी लोकेशन लगा दिया, सीधा टारगेट रखेंगे जिस्पा का, 201 किलोमीटर 5 घंटे का रास्ता। गर्मी यहाँ पे ना खतरनाक है, अभी 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 टेम्परेचर 31 डिग्री है। चलो भाई सभी लगा दो इसी बात पे, अब जयकारा ट्रिप की करते हैं शुरुआत। बोलो जय हो शनिदेव महाराज की जय। एक बार अभी यहाँ से ले लेते हो भाई पेट्रोल, फरीदाबाद से चले चले कंटिन्यू फुल कर देना भैया। पीछे ना इतना शानदार व्यू, बेहतरीन ना चल रहा है भाई लंच, क्योंकि यहाँ के बाद तो अपना अब हो गया आगे ना कैंपिंग चालू। कमर कस लो भाई कमर, रेडी कैंपिंग करनी है अब, और मजे ले लो यहाँ शाम को, खुद बना लो खुद खा लो। इतने बड़ो कैंपिंग का शौक है, कैंपिंग कैंपिंग करनी है। 50 तक कम जाओ भाई, कहीं वॉशरूम टॉयलेट वगैरह जाना ओके सब अब चले आगे। अब गाड़ी ना रुकेगी अटल टनल से पहले जाता ना भी। कैसे तुझे से फाइनली देख ली तेने आज अटल टनल। आगे मजा सचिन देख ली भाई तेने भी ऐसे देख रहा क्या तेने। अच्छा सही है, मोहित ने देख ली भाई अभी, हम मोहित ने देख ली सबसे पहले अटल टनल। पर यू भी काफी ज्यादा लंबी है यार, पीछे जितनी भी पड़ी उनसे ज्यादा है, ये नंबर वन है, या के बाद 2, 3, 4, 5 जितनी भी सबसे लंबी है यहाँ पे अभी तक। तो बड़ी ना वो है बड़ी, तो वो 9 किलोमीटर की है मेरे ख्याल से, दो की भी एक तो चल रही होंगे। हम एक पूरा पहाड़ क्रॉस कर दी, हमने पहाड़ के नीचे जा रहे हैं, हमने सोच पहले कैसे चल के जाना पड़ा ऊपर कर, जब मैंने 12 घंटा में गाड़ी लगा रखी। शाम के 7 बजे गाड़ी चालू करी, I-20 2014 की बात है, जब एक ही टनल सबसे पुरानी आएगी भूतिया सी वो टनल ही, 12 घंटा में नॉन स्टॉप टाइम। जो आप पब्लिक चौड़ रही है ना कि 10 घंटा में गाड़ी लगा दी, 9 घंटा में गाड़ी लगा दी, हमने भाई 12 घंटा में, तो हमने 2014 में लगा रखी मनाली थे बल्लभगढ़ की बात कर रहा हूँ, फरीदाबाद की ना कि दिल्ली की, 12 घंटा में। तो हम भी मंदे टाइम के चैंपियन है, ठीक है भाई हमें भी ठीक है, बल्लभगढ़ के जीता के चीता लेकिन सारी सुंदरता जो पीछे एक साल पहले तकरीबन जो बाढ़ वगैरह आई थी ना भाई सब खत्म, और रोड आज भी ऐसे ही हैं प्रॉपर मनाली के। यहाँ पे तो कहीं कहीं पे तो सिंगल रोड है पीछे, हमने मनाली को कर दिया है बाईपास भाई। बेहतरीन नजारों में ना एंट्री होते हुए अटल टनल रह गया थोड़ा सा, है आ गया भाई ऊपर है बिल्कुल, या दो एक दो कट के बाद अटल टनल है, और ऊपर बर्फ के पहाड़ दिखने शुरू। आगो स्वाद यार ना भाई, बर्फ देख पीछे देख बर्फ के पहाड़, मोहित बर्फ, मोहित बर्फ लेके जल्दी बर्फ खाएंगे, मोहित जा वक्के वहाँ पहाड़ पे, देख गाड़ी आ रही है। पेड़ का ना इधर का पोर्शन से पूरा जला हुआ है, जला दिया अंदर से, और ऊपर से पूरा हैवी पेड़ है भाई। जला दियो कैसे, बिजली गिरी थी
फाइनली भाई हम आ चुके हैं वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ट्यूब सिंगल ट्यूब टनल। अगर आपको भी इससे पहले पता था तो कमेंट्स में बताओ, और जिसको नहीं पता तो उसको आज हम बता देते हैं, ये है वर्ल्ड के सिंगल ट्यूब लॉन्गेस्ट टनल। लास्ट पेट्रोल पंप से भाई यहाँ से करा ले अपनी गाड़ी ना, यहाँ से करा ले अपनी गाड़ी फुल एकदम, और अपना अब यहाँ से आगे का टारगेट होगा सीधा आई थिंक पदम में पेट्रोल पंप मिलेगा, तो यहाँ पे भी 1200 को जो पेट्रोल आया वो अपना हो गया है रिफिल गाड़ी में। चलने लगी ठंडी हवा, और अभी मैं हूँ तांडी से थोड़ा सा आगे फ्यूल लेने के बाद। भाई अब तुम फोटो वगैरह यहाँ पे इनको बोल दिया तीनों को, अब तुम्हें फोटो वगैरह जो लेने हैं ना रील बनानी है, इनको रील का बहुत क्रेज है, कर लो। और अपनी गाड़ी देखो क्या बेहतरीन लोकेशन है ना ये, यहाँ पे ना सुकून मिलता है, बेशक कितनी बार आप आ जाओ यहाँ पे ना एक अलग ही सुकून अलग ही शांति मिलेगी बेहतरीन नज़ारों के साथ, क्योंकि सामने अपने देखो ये देखो बर्फ के पहाड़ हैं, इधर भी इधर छुपा हुआ है पेड़ के पीछे, और इधर बिल्कुल ऐसा पहाड़। सर्दी लगी गाइस से ना लगी अभी, मोहित तो आगे अपने हुडी में। गाइस अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं जसपा के लिए, क्योंकि ना अंधेरा होने लगा है और इनसे टेंट भी नहीं लगेगा, 5:10। चलो भाई चलो बैठो। मैं 3-4 महीने में हमेशा यहाँ पर टांडी में आ ही जाता हूँ, अब तो भाई ऐसा हो गया क्योंकि ये देखो एक साल के भीतर मेरा 4th या 5th बार लद्दाख है, और हमेशा इसी शॉप से यहाँ से मैंने पहले अभी किया था अक्टूबर में जनस्कार करते हुए जब मैं सोलो था, और अब की बार ग्रुप में, उससे पहले फैमिली के साथ। प्लान तो अपना नेपाल जाने का था बट इन्होंने कैंसिल करा दिया। लद्दाख खतरनाक माहौल है, खतरनाक एकदम, मेरे गले की बैंड बजती जा रही है, बताओ ना कैसे। देखिए चट्टान ऊपर सचिन, भाई ये है जसपा में अपनी लोकेशन कैंप साइट, वाइड एंगल पे देखो यहाँ पे लगाएंगे अपने दोनों ग्राउंड टेंट, और इधर से आ रही अपनी रिवर बहते हुए, यहाँ पे मैंने पहले बताया हुआ देखो नदी तो उधर जा रही है बहते हुए, बट यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे इधर की तरफ बह के जा रही है, शानदार नज़ारों के साथ बेहतरीन व्यू। पहले ना देखो इनसे टेंट लगेगा नहीं पहली बार, तो मैं इनकी थोड़ी सी हेल्प करा देता हूँ। तो टेंट कैसे लगता है ये सारी चीज़ें आपको पता है, मैंने तुम्हें ना बोर करते हुए और टाइम लैप्स लगा दूंगा तुम्हें बोर करूंगा, उससे बेटर है मैं सीधा टेंट लगाते हैं, सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे ना टेम्परेचर भाई, टेम्परेचर अभी 6 डिग्री अभी है भाई, टेंट लग रहा है अपना यहाँ पे देख ही सकते हो, इस अब हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे, यहाँ पे एक टेंट और यहाँ पे, और वो बॉनफायर के लिए ये या कहीं और बॉनफायर लगाएंगे, और यहाँ पे अपना एक काला भालू है ही और एक पीला भालू। गाड़ी बिल्कुल अपने टेंट के पास ये खड़ी अपनी गाड़ी, और यहाँ पे अपने टेंट, यहाँ पे अपना कुकिंग, इसमें बन रहा है पास्ता, और इनका तो भाई फोटो रील नहीं निपटेंगे, नई उम्र के नए लौंडे। और यहाँ पे ना है शानदार व्यू भाई साहब, सर्दी 6 डिग्री है, अच्छा लग रहा है, बट अभी जैकेट डालूंगा मैं, इन दोनों लड़कों ने तो डाल लिया है। जाड़ो लगाओ ना लगो, आगो स्वाद अभी देखियो आगे कहाँ कहाँ स्वाद आएगा। शेर कूद का दिखा सचिन के लगे 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 पुत्र उठा के बैठ गए सचिन के भाई, रो रो
मेरे पेट में दर्द हो रहा है। सजन भाई तेरे पीछे क्यों लग रहे है लोंडा? हम बना रहे हैं पास्ता तकरीबन के हलवाई गए अब की बार, और सामने देख पहाड़न के नजारे तो ऐसा ना दिखेगा बेटा। वीडियो चल रही है, ये देखो पहाड़न के नजारे सामने, ये देख यहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है, देख यहाँ अपने तंबू गड़ रहे दोनों हैं। मस्त है ना, जबरदस्त लोकेशन, ऐसा ही सिस्टम रही है। आगे एक मुद्दे की बात है, मैं ट्रिप करने का सामान लाऊं तब की बार यहाँ की कमी आए लेके जाऊंगा, घर जाऊंगा गाड़ी में तो चोर ले भाई सेक्शन में कि भाभी ऐसा मत क्या करो। और भाई ये देखना रात को कितना सुंदर लग रहा है अनु, देख पहाड़ दिखेगा, देख तेरे को सामने, देख देख क्या बेहतरीन है भाई। जैसे जैसे रात हो रही है ना, रात में ज्यादा सुंदर लग रहा है। और भाई अभी टाइम मैं दिखाऊंगा आपको, धैर्य तू भी देख टाइम कितना हो रहा है, 7:43 भाई साहब बेहतरीन। ओके चल क्या बात होगी, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन, क्या बात होगी भाई, व्हाट हैपेंड, अरे कैसे बिदका दिए तेन छोरा पल्ली धोने का नहीं पहुंचने का नहीं। अब की बार ना मेरे को एक टेंशन नहीं, देखो दिन भर मैं गाड़ी चलाऊंगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, रात को ना खाना बनाने के लिए अतुल ढोन है। की बार तेरी बहू आई ना जो ब्याह के बाद, तू भी राजी रहेगी, उछड़ी घूमेगी, आज तो अतुल खवाएगा। मामी तुम खुश रहोगे मेरे मामा जी, ये रील है तो स्पेशल डालूंगा यहाँ क्रॉप करके, भाभी कह जो कहते मामी कह दे, मामी कह दे और मामा ही कह दे, मामा भी सेफ ही कह दे। और तू भाई तू भी कुछ कहना चाहे अपनी भाभी से? भाभी देख है वीडियो, देख है पूरी, देख है अब की बार तो पूरी देखेगी, लावी देखे तो तू बोतल निकाल के ना बाहर ही रख दो, वैसी ठंडी आ जाएगी। पानी में धरिया पानी में गलो बैठ जाएगा, वैसे रख दे अरे ना पानी मत रखा भाई, मेरे गलो वैसे ही है रो, पटाक फेंक दूंगा तो या मैं तालाब में नदी में बोलेगा तो पे कंटेंट भी मिल रहा हो मैं बहुत ज्यादा। चौक की तैयारी हो रही है, गरम कर रहा है, चल गई चल गई ठीक है, बस जा रही है बस में। फोन पकड़ तू यार, कौन लगाऊं यार, मैं तो पूरा हलवाई बनाएंगे से हम ले ले और का चाहिए जितके मुंडे को मारेगा भाई। अपना पास्ता बन के तैयार यार, अतुल चाय और बनाएंगे अभी सोते टाइम, चीज की कमी रहेगी बॉनफायर, लकड़ी नहीं लेके आए हम अब की बार, हर बार मैं अपनी गाड़ी में लकड़ी, बट अब की बार स्पेस का पंगा बाबू भैया, बॉनफायर लकड़ी होती ना भाई मजा आ जाता। तो भाई बॉनफायर की जो हम कह रहे थे ना कमी थी, वो कर दी यहाँ पे भाइयों ने पूरी, ये इन भाइयों की साइट है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने अपने टेंट लगाए हुए हैं, यहाँ पे आपको वैसे भी टेंट मिल जाएंगे। तो भाई किस नाम से आपका ये जस्बा में भाई? गजीबो रिवर साइड कैंप। मैंने ना पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है, मैं यहाँ पे तीसरी बार स्टे कर रहा हूँ, यहाँ पे आप बॉन फायर के मजे भी ले सकते हो, लकड़ी लेके आ सकते हो, वरना भाई भाई तो आपकी हेल्प कर ही देंगे, और भाई फुल आनंद रिवर साइड कैंपिंग के मजे लेते हुए। और भाई अभी टेम्परेचर हो चुका है यहाँ पे -2 का, नीचे का नहीं बताएगा। अच्छा का बताएगा। चलो भाई सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। ओके भाइयों चलो सचिन भाई, ये फोटो लिए हैं देखो नाइट में, अभी मैंने टैब के अंदर ट्रांसफर किए हैं, इतने बेहतरीन फोटो, एक एक स्टार दिख रहे हैं देखो, जस्ट अभी शूट करके आया हूँ, टाइम हो गया 9:05 और 1 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है, घड़ी की बैटरी भी गई, सुबह तक ऑफ हो जाएगी। ये देखो 3 फोटो जस्ट अभी लिए हैं। तो ये सारे फोटो आपको कहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए? ये सारे फोटो मिलेंगे भाई आपको देखने के लिए इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, अल्टीमेट फोटोज वीडियोस रील्स और इन्फॉर्मेटिव रील भी मैं डाल देता हूँ, वो भी आपको मिल जाएगी। तो आप क्या करते हैं, आप कुछ नहीं, वो दोनों अपने टेंट में जा चुके हैं,
चलो भाई चाचा बेटा हम इधर, वो दोनों भाई मेरे सालीग्राम दोनों उधर। भाई साहब सामने नजारे देखो सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, टाइम हो रहा 7 बज गए और टेम्परेचर 0 बिल्कुल। अभी जस्ट सो के उठे और सामने जैसे टेंट खोला है ना भाई, ये नज़ारे देखे, ये देखो शानदार। अब उठते हैं भाई जल्दी से, पैकिंग करनी है, कपड़े चेंज करने हैं, हाथ मुंह धोते हैं और अपना ना आगे बढ़ना है अपने को, आगे कहाँ पे वाला गुम्बू रंजन के लिए। तो इस वीडियो को करते यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद जय भारत।